आज का रिसीव कॉल हमें आजमगढ़ जिले के चेवार से आया है। यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं ढाबा है, इसके अंदर कोई सांप देखा गया है पाइप के अंदर, और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा सांप है। तो ऐसे में बिना वक्त गवाए हम लोग मौके पर पहुँच चुके हैं, चलिए इसे सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू करते हैं, उसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करते हैं। जब तक कि हम लोग सांप को रेस्क्यू करते हैं, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और बेजुबान जीवों को बचाएँ। भैया कब से दिखा था आपको यहाँ पर? अच्छा, एक डेढ़ घंटे से। पाइप में ही था कि मतलब घुसा हुआ है? पहले तो निकला हुआ था थोड़ा सा, वो लोग अचानक सब लोग देखे तो हट गए वहाँ से। अच्छा अच्छा। फिर उसको आपको फोन किया तो आप लोग बोले कि कपड़ा लगा दीजिए दोनों साइड से। हाँ, नहीं तो इधर उधर कहीं लोग आते जाते हैं बराबर, तो परेशान बहुत यात्री देख कर परेशान भी थे, भाग रहे थे इधर उधर। तो हम लोग बोले कि वहाँ पर कपड़ा लगा देते हैं तो आराम रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, डर भी खत्म हो जाएगा, इसलिए हम लोग कपड़ा दोनों साइड से लगा दी। अच्छा अच्छा, अभी वो उसी में है। हाँ बिल्कुल, लोग देखेंगे तो डरेंगे क्योंकि जहरीला सांप है। जी चलिए उसको निकलते हैं। चलिए कपड़ा शर्ट पे डाले हैं तो उधर है, उधर से निकल रहा है। अच्छा, इस साइड से निकल रहा है। आप रहे कौन सी पाइप में बता दे? अच्छा, वो वाले पाइप में। क्या भैया, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कपड़ा वगैरह लगा करके इसे पाइप के ऊपर रखा है। बहुत ज्यादा गर्मी भी हो रहा होगा, बेचैन होगा बेचारा, वो गर्मी से उसकी हालत खराब होगी। एक और कपड़ा है, इधर ही आके बैठा है। क्या हुआ? इस पर आकर बैठा है। बैग में से स्टिक छोटी वाली। देख रहे हैं सर, 10 लोग से पकड़ना पड़ेगा सीढ़ी। हाँ, सीढ़ी नीचे पकड़ लीजिए, उतर जाए। नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। इसको देखिए, इंग्लिश शब्द इसका नाम है स्पेक्टिकल कोबरा, हिंदी में नाग, लोकल भाषा गेहूंगन, कहीं कहीं इसको खरीज भी कहते हैं, कहीं कहीं पलटू भी कहते हैं, समझे? इतने सारे नाम है इनको। तो कभी भी आप लोगों को ये सांप काटता है तो सीधा आप लोगों को तुरंत हॉस्पिटल जाना है, ना कोई तंत्र मंत्र, ना कोई झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है, और इनको मारना भी नहीं है, इनको बचाइए। इनकी प्रजाति अब विलुप्त हो रही है, इनको बचाना हमारा आपका कर्तव्य बनता है। बिल्कुल भैया, इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है बचाने में, क्योंकि आप हमें कम से कम नहीं लगता है, क्योंकि मैं उस समय जब भी आप कॉल कर रहे थे तो मैं बाइक चला रहा था, इसके लिए मैं फ़ोन जल्दी उठा नहीं पाया। कम से कम हमें लगता है 4 या 5 बार आपने कॉल किया, उसके बाद मैंने फ़ोन उठाया, फिर आपको मैंने रिप्लाई तुरंत दिया, क्योंकि देखा मैं काफ़ी आपका कॉल आ गया था, तो मैंने बहुत परेशान थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आप लोग इन बेजुबानों की जान बचा रहे हैं, हम लोगों को बस यही खुशी, हमारी टीम आप लोगों को बस सल्यूट कर दिए। चलिए भैया, इनको ऐसे जगह पे छोड़ा जाता है जहाँ ये बच जाएं।
कहीं घर वर न रहे। सीधा हमको भी काटता तो सीधा हॉस्पिटल जाता हूँ। हमें भी काटता ऐसा नहीं है। देखे तुरंत काटा कई बार बाइट ही कर रहा है, फॉल्स बाइट नहीं कर रहा है, अग्रेसिव है क्योंकि धूप में था ना बहुत देर से टॉर्चर हो रहा था इसके लिए। अच्छा छेड़े भी थे आप? क्योंकि ये बहुत देर से धूप में था और गर्मी की वजह से टॉर्चर हो रहा था इसलिए थोड़ा ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है और बैग में जाने में थोड़ा वक्त ले रहा है। लेकिन हम लोग इसके साथ बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम लोग इसे पूरा पूरा वक्त देंगे खुद ब खुद बैग के अंदर जाने के लिए। अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम के बाद भी बैग के अंदर नहीं जाएगा तब हम लोग उसका सिर पकड़ करके इसको बैग के अंदर पैक करेंगे, लेकिन वो नौबत नहीं आएगी क्योंकि आप देख सकते हैं खुद ब खुद बैग के अंदर चला गया। तो अभी हम लोग इसे यहाँ से दूर ले जा करके इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज़ करेंगे जहाँ पर अपनी बाकी की ज़िंदगी अच्छे ढंग से जी लेगा और अच्छे ढंग से सर्वाइव कर पाएगा। और यहाँ पर हम लोग इसे रिलीज करने के लिए आ चुके हैं, आप देख सकते हैं जगह इसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। तो बिना वक्त गवाए हम लोग इसे इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज कर देंगे ताकि अपनी बाकी की ज़िंदगी इसे ढंग से जी पाए और अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाए। और आप देख सकते हैं जो सांप है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रहा है। हम लोग इसके रेस्क्यू के ठीक बाद इसे रिलीज करने के लिए आ चुके हैं और ये अपने अनुकूलित वातावरण में चले गया। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट कर जरूरत है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।